जय हिंद एवरीवन, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। झारखंड जी के एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं और इसमें हम लोग टॉप 10 एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे है, तिलैया बांध और मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी, सोन नदी, शंख नदी, ब्राकर नदी। तो बात करें तिलैया बांध की, जो कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। वहीं पर बात करें मैथन डैम की, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और तिलैया बांध और मैथन डैम किस नदी पर बना है? तो इस बांध का निर्माण किया गया है, इन दोनों बांध का निर्माण ब्राकर नदी के ऊपर। अदर ऑप्शन के बारे में यदि बात करें तो दामोदर नदी के ऊपर कौन से बांध बनाए गए हैं? तो इस नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं बर्मो बांध, अय्यर बांध और तेनुघाट बांध। जो भी नदी के नाम दिए गए हैं, इनके हम लोग एक बार उद्गम स्थल को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें दामोदर नदी का उद्गम स्थल, तो इसका उद्गम लातेहार के टोरी क्षेत्र के चूल्हा पानी नामक स्थान से होता है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है। वहीं पे बात करें हम लोग शंख नदी का उद्गम, तो शंख नदी का उद्गम झारखंड के गुमला जिले, कौन सा जिला? गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड नामक स्थान से शंख नदी का उद्गम होता है। वहीं पर बात करें ब्राकर नदी की, तो ब्राकर नदी का उद्गम पद्मा हजारीबाग जिला से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं? 6 बांध, 4 बांध, 8 बांध या फिर 10 बांध। तो झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना में कुल बांधों की संख्या बात करें तो इस परियोजना के तहत कुल बांधों की संख्या है 8। कितने बांध है? 8 बांध। और दामोदर घाटी परियोजना से जुड़े हुए कुछ हम लोग यहाँ पे फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना ही है, जिसकी रूपरेखा अमेरिका के टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के देख करके बनाया गया है। और इस परियोजना का विस्तार बात करें तो इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। जैसा कि बात करें दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कुल बांधों की संख्या 8 है, उसी प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत अवरोधक बांध, अवरोध बांध एक है और उस बांध का नाम है दुर्गापुर अवरोधक बांध। उसी प्रकार इस परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्रों का निर्माण भी किया गया है, जिसमें कि तापीय विद्युत केंद्र हैं बोकारो तापीय विद्युत केंद्र, चंद्रपुरा तापीय विद्युत केंद्र और दुर्गापुर तापीय विद्युत केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या फिर पश्चिमी गोलार्ध। बात करें झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। यहीं पे प्रश्न में इस प्रकार का पूछा जाता कि झारखंड किस दिशा में स्थित है, तो झारखंड उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध और दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, जतरा भगत के नेतृत्व में, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में या फिर तिलका मांझी के नेतृत्व में। तो सबसे पहले हम लोग बात करें टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। कब? 1914 ईस्वी में। और इस टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे जतरा भगत। अदर ऑप्शन की बात करें तो बिरसा मुंडा, उलगुलान विद्रोह जिसे कि हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उसके प्रमुख नेता थे। और उलगुलान विद्रोह कब शुरू हुआ था, उलगुलान विद्रोह कब की घटना है? तो उलगुलान विद्रोह जिसे कि मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, यह घटना है 1995 ईस्वी की। भागीरथ मांझी जो कि खरवार आंदोलन के प्रमुख नेता थे, और खरवार आंदोलन कब की घटना है? खरवार आंदोलन घटना घटी थी 1874 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है तिलका मांझी, तो तिलका मांझी तिलका आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। और बात करें तिलका आंदोलन कब की घटना है, तो तिलका आंदोलन घटना घटी थी 1783 ईस्वी में। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, मुंडा विद्रोह 1895 ईस्वी में, टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में, खरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में और तिलका आंदोलन 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, तिलका आंदोलन कब की घटना है? तो ऊपर जैसे कि हम लोगों ने इसके संबंध में बातें की है, इससे आप लोग इस प्रश्न को आसानी पूर्वक इसका आंसर दे सकते हैं। तिलका आंदोलन बात करें कब की घटना है, तो तिलका आंदोलन जिसके प्रमुख नेतृत्व करता थे
तिलका मांझी, और यह घटना घटी थी 1783 ईस्वी में। अदर ऑप्शन के बारे में यदि हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में आप देख पाएंगे 1874 ईस्वी। 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन की घटना घटी थी जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे भागीरथ मांझी। अगला ऑप्शन है 1855 ईस्वी। तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह की घटना घटी थी जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता की बात करें तो इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कानू दोनों भाई, और इस संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि घटना 1855 में घटी थी। नेक्स्ट ऑप्शन है 1914 ईस्वी। तो 1914 ईस्वी में टाना भगत आंदोलन की घटना घटी थी जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जतरा उरांव। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था? पलामू क्षेत्र, सिंहभूम क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र या फिर संथाल परगना क्षेत्र। तो बात करें झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, और इनका आगमन कब हुआ था? तो इनका आगमन हुआ था 1767 ईस्वी में सिंहभूम के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? तो झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बात करें, जैसा कि आप मैप देख पा रहे होंगे, इधर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इस प्रकार झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। तो नॉर्थ टू साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई बात करें झारखंड की तो वह है 380 किलोमीटर। वहीं पे बात करें वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट की लंबाई बात करें झारखंड की तो झारखंड की पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। यहाँ पे ऑप्शन के मुताबिक हम लोग देखें तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी गई है, जिसके मुताबिक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 380 किलोमीटर। वहीं पे पूछा जाता है पूरब से पश्चिम तक की चौड़ाई, तो देन उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाता है 463 किलोमीटर। और बात करें झारखंड का क्षेत्रफल की, तो झारखंड का क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो वह जिला है रामगढ़ जिला। और रामगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? तो रामगढ़ जिले का गठन किया गया था 2007 ईस्वी में, और 2007 ईस्वी में इसी के साथ एक और जिले का गठन किया गया था, वह जिले का नाम है खूंटी जिला, यानी कि खूंटी और रामगढ़ जिला दोनों का गठन 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, झारखंड की आकृति कैसी है? इसके संबंध में भी अभी हम लोगों ने बात किया कि झारखंड की आकृति बात करें तो झारखंड की आकृति है चतुर्भुजाकार की। कौन सी आकृति है? चतुर्भुजाकार की। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? इस प्रश्न को जानने से पहले हम लोग एक बार यह देख लेते हैं कि झारखंड की राजधानी कौन सी है। तो झारखंड की राजधानी का नाम है रांची, झारखंड की उपराजधानी है दुमका, झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी है देवघर, और झारखंड की औद्योगिक राजधानी की बात करें तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर। इनकी राजधानियों को एक बार फिर से पुनः रिकॉल कर लेते हैं, झारखंड की राजधानी रांची, उपराजधानी दुमका, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? बाबूलाल मरांडी, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास। बात करें झारखंड के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास। इनका कार्यकाल था 2014 ईस्वी से 2019 ईस्वी तक, यानी कि झारखंड के यह एक ऐसे एकमात्र मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने पूरा कार्यकाल 5 वर्षों का किया, और इसके अलावा जो भी मुख्यमंत्री झारखंड में आए किसी ने 5 वर्ष की कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए, कोई 2 वर्ष, कोई 3 वर्ष, कोई कुछ महीने, 4 महीने, 5 महीने इस प्रकार के कार्यकाल किए, बट रघुवर दास एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं एकमात्र झारखंड के जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रघुवर दास।